गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और नोट्स लिख रहे हैं बराबर। देखिए उसमें कोई कमी मत करना, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी तो आपको वीडियो में जो करा दिया गया वो चीज़ हो सकता है वापस नहीं करवाई जाए। रिवीजन के टाइम पे हो सकता करवा दें, तो ये आप काम जरूर जरूर करें और उसकी पिक्चर्स भेजें, ठीक है। तो देखो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 21 जनवरी को आपको नोट्स भेजे थे उसका डिटेल मैं आपको बताऊँ। सीवेज सिस्टम देखो, हमने वाटर के बारे में पढ़ रहे थे, वाटर में हमने देखे वाटर के सोर्सेज क्या हैं और वाटर कैसे जो है काम में आता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो वेस्ट वाटर जो हमने काम में ले लिया, मान लो वॉशिंग के काम में ले लिया, क्लीनिंग के काम में ले लिया, तो उससे तो पानी वेस्ट हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो वो कहलाता है वेस्ट वाटर। अब ये वेस्ट वाटर आगे जाकर कहाँ जाता है, क्या इस वेस्ट वाटर को हम वापस से काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो देखो द सीवेज सिस्टम, ठीक है। द वाटर इज कलेक्टेड थ्रू द चैनल्स आर कॉल्ड ड्रेन्स। गंदे पानी को इकट्ठा करने के लिए जो नालियां बनाई जाती है उसको हम ड्रेन या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। नालियों के थ्रू घरों से गंदा पानी, हमने मान लो बर्तन धोए, कपड़े धोए, सारा पानी हमारे नालियों के थ्रू आगे जा रहा है, फिर मेन ड्रेनेज उसके अंदर जा रहा है आगे। सीवर, एन अंडरग्राउंड मेन ड्रेन पाइप इज कॉल्ड सीवर। सीवर कहलाता है, देखो जमीन के नीचे पाइप्स लगे हुए होते हैं, जिसके जो पाइप्स होते हैं उनको हम सीवर कहते हैं, नाली कहते हैं। नेक्स्ट आता है सीवरेज या सीवेज सिस्टम। अब कई सारे पाइप्स जब आपस में जुड़ करके एक जगह मेन ड्रेनेज में जा रहे हैं, मेन नाले के अंदर जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सीवेज सिस्टम। द नेटवर्क ऑफ सीवर इज नोन एज सीवेज सिस्टम। गंदे नालों का, गंदे पानी का वो नेटवर्क, पाइप्स का नेटवर्क हर मोहल्ले में से जो जा रहा है, हर कॉलोनी में से जा रहा है, उसको हम सीवरेज कहते हैं। मैनहोल, अब ये जो सीवरेज जाते हैं, गंदे पानी के जो नाले अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, उनकी जगह जगह पर चैम्बर्स बनाए होते हैं जिसके ऊपर मैनहोल लगा होता है, यानी उस ढक्कन को खोलकर कोई भी इंसान जो है वो उसकी सफाई कर देता है। कई बार मान लो गंदगी उसके अंदर आ गई है तो उसको साफ किया जाता है, तो जगह जगह पर मैनहोल मिलते हैं। द सीवर हैज मैनी एंट्री पॉइंट विच कॉल्ड मैनहोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इस गंदे पानी को साफ कैसे किया जाता है उसकी बात। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम द सीवेज, ठीक है। गंदे पानी में से जो है गंदगी को जो निकालते हैं, गंदे पानी में से जो गंदगी को निकालते हैं उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये बड़े बड़े शहरों में लगाया जाता है। दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। गंदगी को दूर करने के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं। फिजिकल तरीके से उसको दूर किया जाता है, केमिकल तरीके से केमिकल मिला करके उसको दूर किया जाता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी इसको जो है गंदगी को दूर किया जाता है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे गंदे पानी को सफाई। देखो मैंने आपको जो है एक आउटक्रॉप के रूप में, आउट व्यू में बना के दिया। सीवेज है उसका सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस है उसके कचरे को, जो मोटा मोटा कचरा उसको बाहर निकाल देना। फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको मैंने कहा कि मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें होता है बार स्क्रीनिंग, यानी जगह जगह नालियों पर जो है जाली लगा दी जाती है, उस जाली के थ्रू जो है बार स्क्रीन कहते हैं उसको, उसके अंदर उस गंदे पानी को छाना जाता है ताकि उसके अंदर प्लास्टिक की बोतलें, गंदगी जो तैर रही हैं, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह है, बॉटल्स हैं, टूटी फूटी चीज़ें जो है वो सारी अलग हो जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, पानी को धीरे धीरे फ्लो किया जाता है। ग्रिट चैम्बर में पानी को धीरे धीरे, उस गंदे पानी को धीरे धीरे फ्लो किया जाता है ताकि उसके जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पेबल्स है या सैंड्स पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे दूर हो जाए। नेक्स्ट आता है सेटलिंग टैंक, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पानी को, गंदे पानी को 10 से 12 घंटे तक रोका जाता है। जब पानी रुका रहेगा तो पानी की जो गंदगियां हैं, मिट्टी वाली जो गंदगी है, वो नीचे की तरफ बॉटम में इकट्ठा हो जाती है और उस गंदगी को हम कहते हैं स्लज। क्या कहते हैं, स्लज। इस स्लज को आगे क्या किया जाता है, डाइजेस्टिव टैंक में डाल दिया जाता है, जिसको डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। वहां पर उस जो दलदल जैसा होता है उससे बनाया जाता है बायोगैस बनाई जाती है, और उसको मैन्योर में खाद के काम में भी लिया जाता है, जो खेतों में वापस डाल दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, वापस टैंकर में, एक बड़ा जो टैंकर होता है उसमें उसको पानी को फिक्स किया जाता है, और पानी के ऊपर जो ऑयली गंदगी है, ऑयल जैसी गंदगी है, उसको स्कीमर की सहायता से उसकी जो सारी चिकनाई है उसको पानी को दूर कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है एरिएशन टैंक। अब गंदे पानी के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, तो गंदे पानी के अंदर वापस से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसको एक एयर वाले टैंक में जो है डाला जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं एयरेशन टैंक। ये जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में एरेशन टैंक के बाद में वो पानी जो गंदा पानी है वो जाता है सेटिंग टैंक में या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको डाला जाता है। वहां पर फिर पानी को 1 से 2 दिन के लिए रखा जाता है उस पानी के अंदर, क्योंकि हमने देखो पहले एरिएशन टैंक में डाला था, अब इसको सेडिमेंटेशन टैंक में दोबारा डाल रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो नीचे की बैठी हुई जो गंदगी होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। उस एक्टिवेट स्लज को फिर से अलग कर लिया जाता है गंदगी को, और उससे बायोगैस बनाई जाती है और मैन्योर बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। इसके बाद वहाँ से पानी को जो है आगे टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए, तीसरे प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उस पानी के अंदर, अब यहाँ तक पानी काफ़ी हद तक साफ हो जाता है, लगभग 80% तक क्लीन हो जाता है। अब उसके अंदर क्या किया जाता है, टर्सरी ट्रीटमेंट में उसके अंदर केमिकल प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसके अंदर हम पानी के अंदर क्लोरीन को डाला जाता है, या ओजोन को डाला जाता है, या अल्ट्रावायलेट रे से उस वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको किल किया जाता है। फिर उस पानी, इस तरह से वो जो पानी है वो डिसइंफेक्शन वाला वाटर हो जाता है, उसमें अब कोई खराबी नहीं है, उस पानी को फिर जो है रिवर्स में या लेक्स में छोड़ा जाता है। तो इस तरह से देखो, मैंने आपको बताया एक वेस्ट वाटर को साफ करने के 3 प्रोसेस है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं, जिसमें से उसकी गंदगी छानने का प्रोसेस करते हैं, गंदगी कचरे को दूर निकाल दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको एरिएशन टैंक में भी रखा जाता है, और उसके अंदर जो स्लज है उसको दूर कर लिया जाता है, उस स्लज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हम उसको बायोगैस बना रहे हैं और मैन्योर में काम में ले रहे हैं। और तीसरा जो है वो केमिकल प्रोसेस, के अंदर क्लोरीन या ओजोन या अल्ट्रावायलेट रेस उस पानी को क्लीन किया जा रहा है। अच्छा, तो आपको समझ में आएगा। आई होप यू लिसन केयरफुल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। ओके, बाय।